न्यूजीलैंड ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के तीसरे ही दिन सोमवार को यहां भारत को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप किया। भारत के 132 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 132 रन बनाकर जीत दर्ज की। वहीं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की जमकर आलोचना की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक कोहली के समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल पाक के दिग्गज खिलाड़ी रहे इंजमाम ने अपने यूट्यूब चैनल द मैच विनर में कहा, भारत में विराट को लेकर काफी बातें की जा रही हैं, क्योंकि वो पिछले 11-12 पारियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। कुछ लोग उसकी तकनीक पर बात कर रहे हैं। मैं ये सब बातें सुनकर सदमे की स्थिति में हूँ। एक शख्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 70 के आसपास शतक जमाए हैं, इसके बावजूद लोग उसकी तकनीक पर सवाल उठा रहे हैं। इमाम ने आगे कहा, मैं कहना चाहता हूं कि हर प्लेयर के लिए कोई एक सीरीज, कोई एक साल ऐसा होता है जिसमें सब कुछ सही करने के बावजूद चीजें उसके पक्ष में नहीं जाती। वो हर दिन स्कोर नहीं कर सकता, हर मैच, हर सीरीज या हर साल में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों गेंदबाज केवल कोहली की गेंदों पर पिटाई के लिए ही खेल रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरी कोहली को सलाह है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। आपको हमेशा कामयाबी नहीं मिलती, असफलता भी साथ में आती है। उसे अपनी तकनीक में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अमन यादव के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, क्रिकेट केसरी। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।